हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल में। और पबजी बैन होने के साथ साथ ही एक नया गेम जो कि हम देसी पबजी बोल सकते हैं, फौजी लॉन्च हुआ, जिसे अक्षय कुमार ने ट्वीट करके सबसे पहले बताया। और फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड इसका फुल फॉर्म है और ये आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करता है, उसके तहत ही इसको बनाया गया। इसका नेट रेवेन्यू का 20% भारत के वीर ट्रस्ट को जाएगा, तो ये एक खास बात है जो कि सैनिकों के लिए बनाया गया ट्रस्ट है, उनको मदद करेगा ये। और अगर बात करें तो इसके जो फाउंडर है, इसको जो बनाने वाले हैं, विशाल गुंडाल जी हैं। इस कंपनी को एनकोर जो कि बेंगलोर की कंपनी, उन्होंने बनाया है। इसके एंटरप्रेन्योर मिस्टर विशाल गुंडाल, मिस्टर दयानिधि एनजी और अदर वू हैव बीन इन द गेमिंग इंडस्ट्री फॉर 20 ईयर्स। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20 साल से गेमिंग इंडस्ट्री में हैं। 25 से ज़्यादा लोगों की टीम है, जैसे प्रोग्रामर्स है, आर्टिस्ट है, टेस्टर्स है, डिज़ाइनर्स है। तो ये एनकोर गेम्स ने ट्वीट करके इसके बारे में बताया था। गेमिंग इंडस्ट्री के फादर हैं वो विशाल गुंडाल को बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने 1998 में इंडिया गेम्स बनाया था और उसको 2012 में पूरी तरह से वॉल्ट डिज्नी को बेच दिया था। तो अगर बात करें, एक और अफवाह चल रही कि फौजी गेम है, लेट मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत का प्रोजेक्ट था, जो कि बिल्कुल अफवाह है, ऐसा बताया गया, बेसलेस बताया गया है। और एक और चल रहा है कि पोस्टर जो है वो भी कॉपी किया गया है शटरस्टॉक से, तो उसमें भी क्लियरिटी दी गई है कि शटरस्टॉक से हमने बाकायदा ख़रीदा है। जल्दबाजी में पबजी बैन होने की वजह से तुरंत लॉन्च किया गया था, इस वजह से वहाँ से ख़रीद के इसको लॉन्च किया गया। ऑफिशियल पोस्टर है जो वो आने वाला है। तो इस तरह से अगर फौजी गेम आता है तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या फौजी गेम खेलना पसंद करेंगे, या पबजी को यह क्या टक्कर दे पाएगा? कितने GB रैम का होगा, कैसे वेपन्स होंगे, क्या यह बैटल रॉयल गेम होगा जैसे कि पबजी में होता है? 100 लोग उतरते हैं, उसके बाद एक आइलैंड होता है, एरिया कम होते जाता है और जो लास्ट में बच जाता है वो चिकन विनर विनर चिकन डिनर जीत जाता था। लेकिन फौजी कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें इंडियन आर्मी के मिशंस को दिखाया जाएगा, गलवान घाटी मिशन को भी दिखाया जाएगा और इसी मिशन को पार करना होगा। मेरे ख्याल से इसमें शूटिंग का गेम होगा, बैटल रॉयल गेम नहीं होगा, लेकिन बैटल रॉयल गेम होगा ऐसा बोला जा रहा है। तो आने वाले समय में पता चलेगा, अक्टूबर के एंड तक ये आ जाएगा बोला गया है। इसका ट्रेलर भी लॉन्च किया गया है और ये रियल है कि फेक है ये मैं नहीं जानता, तो आप देख सकते हैं इसका ट्रेलर भी, मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप बताएं ये फौजी गेम के बारे में आप क्या सोचते हैं और पबजी को क्या ये टक्कर दे पाएगा? वैसे पबजी तो वापस आ सकते हैं, वैसे चाहो तो आप पबजी जो है वो कंप्यूटर PC वगैरह में कंसोल में खेल सकते हैं। अभी भी पबजी मोबाइल बैन हुआ है, ना कि पबजी जो कंप्यूटर PC वगैरह वाला वो बैन हुआ है। और 20% जो है अगर ऐसा दान में जाती है भारत के वीर ट्रस्ट को, तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा। और देखते हैं ये पबजी को टक्कर दे पाएगा कि नहीं। अगर ये जो इसके ट्रेलर लॉन्च हुआ है तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा बनाया गया है, क्योंकि इतनी जल्दी इतने बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ ये फौजी का होगा। तो अगर ये ओरिजिनल होगा, अगर ऐसा होगा, तब तो मज़ा ही आ जाएगा लोगों को खेलने के लिए, क्योंकि इतने बेहतरीन ग्राफिक्स से काफ़ी ज़्यादा रैम लगेगा। और अगर कम रैम के साथ आता है तो आपको सस्ते मोबाइल में भी फौजी खेलने के लिए मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। शिकायत या सुझाव तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.